दोस्तों कल क्या हुआ, मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि भाई यार एक वैकेंसी निकली है जूनियर इंस्ट्रक्टर की। सुबह वेबसाइट पर नोटिफिकेशन था, लेकिन अभी शाम को मैं वेबसाइट विजिट कर रहा हूं तो एरर आ रहा है, नोटिफिकेशन ओपन नहीं हो रहा। अब ऐसे में हो सकता है कि वेबसाइट से नोटिफिकेशन को कुछ अपडेट करने के लिए हटा दिया गया हो, या फिर डेटाबेस एरर वगैरह कुछ आ रहा हो। तो मैंने उसको एक छोटा सा तरीका बताया और वेब पेज ओपन हो गया। यानी कि हम किसी वेबसाइट से रिसेंटली डिलीट हुए वेब पेज को देख सकते हैं, या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वेबसाइट में रिसेंटली क्या चेंजेस किए गए हैं। क्या आप भी जानना चाहते हो कैसे होगा ये, क्या है इसके पीछे, कौन सी है ट्रिक? चलो बताता हूं आपको। देखो, जब भी इस तरीके का सिनेरियो होता है या फिर आपका कभी ऐसी सिचुएशन से सामना हो, आप जो वेब पेज विजिट करना चाह रहे हैं वो अचानक से गायब हो गया, जबकि एक दो दिन पहले वो अपनी जगह पर था, आपने जैसा देखा था वैसा था, लेकिन आज नहीं मिल रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज लोगे गूगल की हिडन ट्रिक का। और उस हिडन ट्रिक को यूज करने के लिए आप यूज में लेंगे गूगल के कैशे ऑपरेटर का। गूगल पर कैशे ऑपरेटर यूज करना बहुत ही सिंपल है। आपको जो वेब पेज विजिट करना है जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, या फिर जो इस वक्त आपको शो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ अलग ही आपको शो हो रहा है, लेकिन आपको पुराना डेटा देखना है, दो दिन पहले वाला वेब पेज देखना है, तो आपको क्या करना है, उस वेब पेज का एड्रेस आपको एड्रेस बार में रखना है, और उसके आगे मतलब उस वेब पेज के एड्रेस से पहले, मतलब www से पहले आप सिर्फ यहां पर लिख देंगे कैशे और कॉलोन, जस्ट आप ये लिख देंगे, और आगे आपका पूरा का पूरा वेब पेज का जो एड्रेस है वो सेम रहेगा। जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे तो आप वो वेब पेज देख पाएंगे जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, या फिर उसका कैशेड वर्जन आप देख पाएंगे। जैसे देखो स्क्रीन पर ये वेब पेज वो वेब पेज है, जब मेरा दोस्त मेरे पास आया तब ये ओपन नहीं हो रहा था, आप भी देख सकते हो एरर आ रहा था। फिर मैंने यूज किया कैशे ऑपरेटर का, कैशे लगाया, कॉलन लगाया, और उसके आगे ये एड्रेस लिख दिया जो पीडीएफ फाइल का एड्रेस था, और सीधा मैंने उसको नोटिफिकेशन निकाल के दे दिया। तो ये एक लाइव एग्जांपल हो गया आपके लिए, और प्रैक्टिकल भी आप कह लीजिए, प्रैक्टिकल हो गया आपके लिए। अगर हम कैशे ऑपरेटर की बात करें, अगर जाने की ये काम कैसे करता है, तो गाइस ये जो कैशे ऑपरेटर है ये गूगल की एक फैसिलिटी है। इसमें क्या करता है, गूगल हर वेब पेज को पीरियडिकली कैप्चर करता है, उसका स्नैपशॉट कैप्चर करता है। जैसे जैसे गूगल पर वेब पेज या फिर वेबसाइट इंडेक्स होती जाती है, तो गूगल का जो गूगल वेब क्रॉलर है उनको क्रॉल करता रहता है और इंडेक्स करता रहता है, और ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है। यानी कि हर थोड़ी देर में ऐसा होगा, हर थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा, गूगल वेब क्रॉलर लगातार थोड़ी थोड़ी देर में वेबसाइट को विजिट करता है और उनके कंटेंट को इंडेक्स करता रहता है, साथ ही वेब पेज की कॉपी को स्टोर भी करता रहता है, यानी कि उनका जो स्नैपशॉट लेता है वो अपने अंदर स्टोर करता रहता है। अब स्नैपशॉट में हम कह सकते हैं HTML फाइल होती है, CSS फाइल होती है, JavaScript फाइल होती है, इनको अपने कैशे में स्टोर करता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि गूगल ऐसा क्यों करता है। देखो, गूगल ऐसा इसीलिए करता है जिससे आप वेबसाइट को फास्टली एक्सेस कर पाए, आपका टाइम बचे, यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस किया जा सके। यानी कि आप अगर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वो घंटों लगा दे ओपन होने में, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो गूगल चाहता है कि जो भी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हैं उसकी कैशे अपने सर्वर पर स्टोर कर ले, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस वेबसाइट को विजिट करें तो गूगल तुरंत उस डेटा को आपको भेज दे और बाद में आपको सीधा वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट कर दे। तो कुल मिलाकर लोडिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए गूगल ऐसा करता है। साथ ही गूगल वेबसाइट के कैशे वर्जन को इसलिए भी स्टोर करता है जिससे आप वेबसाइट के डाउन टाइम में भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। ओरिजिनल वेबसाइट का सर्वर अगर डाउन हो गया, अभी डाउन टाइम है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कैशेड वर्जन की हेल्प से उस वेबसाइट का डेटा यूज कर सकते हैं। साथ ही उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए भी गूगल ऐसा काम करता है। और सबसे मेन रीजन है सर्वर लोड को कम करना, ये इंपॉर्टेंट रीजन है गूगल के लिए, जिससे कि वो लगातार स्पीडली काम कर पाए। जब भी आप गूगल कैशे ऑपरेटर की हेल्प से किसी वेबसाइट का कैशेड वर्जन एक्सेस करते हैं, तो गूगल आपको ये भी बताता है और एक नोटिफिकेशन देता है कि वो आपको कौन सी डेट का स्नैपशॉट शो कर रहा है, क्योंकि एक दो दिन में लगातार गूगल, जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल का वेब क्रॉलर हर वेबसाइट को अपडेट करता है, अपनी कैशेस को अपडेट करता है। ओवरऑल पेजेस को कैशे करना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो गूगल करता रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप इस ट्रिक का, यानी कि किसी वेबसाइट के कैशेड पेज का किस सिचुएशन में यूज लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आशा करता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो की आपके लिए कुछ नई होगी, कुछ नया आपको मिला होगा, तो इसीलिए आप वीडियो
को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा जो ढूंढ रहे हैं कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन, एक दो दिन पुरानी इन्फॉर्मेशन लेकिन आज उनके पास नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।